Okay, fine. In a top-down parsing technique, the first technique that is called recursive descent parsing. Top-down. सर आपकी आवाज कट हो गई। तो एक्सपेंशन करते हुए जाएंगे तो इसको हम लोग बेसिकली टू सब कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप डाउन पार्सर जो होता है वो दो अलग अगेन कैटेगरीज में डिफाइन होता है। तो इसका मतलब होता है द पार्सरी इज क्रिएटेड टॉप टू बॉटम सो विच इज नोन एज ए टॉप डाउन पार्सिंग। अब टॉप डाउन पार्सिंग में सबसे पहला जो होता है मेन वो होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का मतलब जिसमें रिकर्सिव अप्रोच अप्लाई होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोसीजर वन फॉर ईच नॉन टर्मिनल। तो इसका मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं हर एक का हम एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे रिकर्सिव डिस्टेंस पासिंग में। सबसे पहला चीज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैक ट्रैकिंग इज नीडेड, यानी इसमें हम रिकर्सिव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक बैक ट्रैकिंग अप्रोच यहाँ अप्लाई होता है। If a choice of production route does not work with backtrack, तो इसका मतलब है कि अगर किसी नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये राइट डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है तो हम वापस बैक ट्रैक करते हुए किसी दूसरे डायरेक्शन, सपोज कर लो एक ही नॉन टर्मिनल के दो चॉइस होता है तो हम किसी एक चॉइस को लेके आगे बढ़ते हैं और सपोज कर लो उससे वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उससे वो स्टेटमेंट जनरेट नहीं हो रहा है तो वापस बैक ट्रैक करते हुए उसी नॉन टर्मिनल के दूसरे चॉइस को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में कि हर एक नॉन टर्मिनल का जो होता है हम प्रोसीजर होता है सेट ऑफ प्रोसीजर डिफाइन करते हैं और फिर बैक ट्रैकिंग अप्रोच हम अप्लाई करते हैं इस पर्पज के लिए। एंड थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है कि इट इज ए जनरल पार्सिंग टेक्निक। बहुत सिंपल पार्सिंग टेक्निक से आपको आगे जाना है, मैच नहीं करता है, बैक ट्रैक करते हैं फिर दूसरे रास्ते पे होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, बट नॉट वाइडली यूज। तो इसीलिए ये बहुत सिंपल होने की तरह और दूसरा इसमें जो होता है कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको जनरेट नहीं होते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं ये वाइडली यूज यानी मैक्सिमम इसका यूज नहीं होता है। एंड नॉट एफिशिएंट, यानी हम भले ही इसको बहुत सिंपल अप्रोच बैक ट्रैकिंग अप्रोच बोलते हैं बट इससे हमको कभी कभी होता है रिजल्ट जो होता है सही तरीके से मिलता नहीं है, जनरेट नहीं होता है। तो इसीलिए हमने जो नाम देखा रिकर्सिव डिसेंट, तो इसका मतलब है रिकर्सिव अप्रोच मतलब बैक ट्रैकिंग होने के कारण से रिकर्सिव अप्रोच आपको मिल रहा है। तो ये टॉप डाउन पासिंग का फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी होता है वो रिकर्सिव डिसेंट पासिंग के नाम से होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पासिंग टेक्निक होता है वो होता है प्रेडिक्टिव पासिंग टेक्निक। तो प्रेडिक्टिव पासिंग मतलब हम प्रेडिक्शन करते हुए आगे जाते हैं। प्रेडिक्शन मतलब हमको ये नहीं पता है इसमें प्रेडिक्शन मतलब अगर हम आगे बढ़ गए तो वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए प्रेडिक्टिव पासिंग जो सेकंड टाइप ऑफ टॉप डाउन पासिंग होता है इसमें नो बैक ट्रैकिंग होता है यानी कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होता है। दूसरा ये एफिशिएंट होता है क्योंकि एफिशिएंटली आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट सिंटेक्स, यानी जो सिंटेक्स जो आपके स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को एफिशिएंटली आइडेंटिफाई करता है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है तो ये एफिशिएंट होता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि नीड ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्रामर, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एलएल ग्रामर और एलआर ग्रामर के नाम से जाता है तो इसलिए टॉप डाउन पार्सिंग में जो होता है एलएल ग्रामर के नाम से जानते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रामर की यूज होता है। और ये जो आपको बताता है कि रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो इसका मतलब है जो प्रेडिक्शन है हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग बोल रहे हैं तो रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग के नाम से यानी जाना जाता है जो कि रिकर्सिव डिसेंट का स्पेशल फॉर्म होता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि नॉन रिकर्सिव टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग इज आल्सो नोन एज एलएल पार्सिंग। तो जैसे मैंने बताया कि एलएल ग्रामर का यूज होता है तो इसलिए इस जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग का नाम होता है वो होता है एलएल वन पार्सर, यानी एलएल वन वन क्या होता है मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो एलएल पार्सर यानी प्रेडिक्टिव पार्सर आल्सो नोन एज प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक के नाम से। तो यानी ये जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक है ये नॉन रिकर्सिव होता है, यानी नॉन रिकर्सिव अगर होता है तो फिर किस चीज का यूज करता है तो इसलिए वो टेबल का यूज करता है। तो इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि नॉन रिकर्सिव टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग आल्सो नोन एज पार्सर एलएल पार्सर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो क्या है। अब आते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, यानी जो कि यूज बैक, जैसे मैंने दो अप्रोच आपको बताया रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और जो होता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में मैंने देखा है बताया कि आप इसमें बैक ट्रैकिंग यूज करते हो तो बैक ट्रैकिंग इज नीडेड एंड इफ इट ट्राइज टू फाइंड आउट द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है।
अब देखिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है एफ प्रोडक्शन ए बी सी होता है, बी प्रोडक्शन बी सी और डी होता है। अब इस इनपुट को हम जनरेट करना चाहते हैं तो चलिए इसके लिए हम ट्री बनाते हैं। तो ट्री हमेशा स्टार्ट सिंबल से बनता है। यहाँ पर जो स्टार्ट सिंबल होता है फर्स्ट नॉन टर्मिनल जो लिखा गया है एस, एस इज द स्टार्ट सिंबल, तो एस से हमने क्रिएट किया। तो एस के पास सिर्फ एक ही एक्सपेंशन है ए बी और सी का, तो इसलिए ए कैपिटल बी और सी मैंने यूज कर दिया। अब आता है कि बी अप्रोच, तो बी अप्रोच के पास दो हमारे पास अप्रोच है बी सी और बी, तो इनमें से किसी एक अप्रोच को लेके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही एक अप्रोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो ये बी क्रिएट, बी और सी क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम पूरे को देखते हैं, यानी अगर हम ए बी और इस तरह से अगर हम पूरे को देखते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि ए बी सी सी बन रहा है, जबकि हमको चाहिए था ए बी सी। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ है दिस इज नॉट, यानी ये काम का नहीं है। तो वापस हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, यानी हम जब आगे बढ़ गए तो वापस हम यहाँ पे बैक ट्रैक कर लेंगे और वापस बी पे चले जाएंगे। और बी पे चले जाने के बाद जो अदर ऑप्शन अवेलेबल है बी, उसको हम यूज करेंगे। अब उसके बाद जब हम चेक करते हैं तो हम चेक करने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि ए बी और सी, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो जनरेट हो गया एक्चुअली। तो ये जो होता है रिकर्सिव डिसेंट का जो बैक ट्रैकिंग अप्रोच है, इस एग्जांपल में आपको समझाया गया है कि हाउ द बैक ट्रैकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई होता है और किस तरह से हम एप्लीकेशन जनरेट करें। और सपोज कर लो बैक ट्रैक करने के बाद सारे ऑप्शंस को चूज करने के बाद आपका स्टेटमेंट जनरेट नहीं होता, यानी आपका जो डेरिवेशन फेल हो जाता है, तो फिर आप एरर मैसेज शो करोगे कि दिस जो इनपुट है या दिस स्ट्रिंग नेवर बी जनरेटेड। तो ये आपका रिकर्सिव डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक का एग्जांपल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये एग्जांपल? यस सर। अब यहाँ पे जो टेक्निक जो मैंने आपको समझाया था उसका एक टेक्निकली, हाँ सर, प्रीवियस एग्जांपल में रिपीट कर दीजिए ना सर थोड़ा सा। प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या बताया है, बैक ट्रैकिंग अप्रोच। बैक ट्रैकिंग अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप एक ऑप्शन को लेके आगे बढ़ोगे और उस ऑप्शन को चेक करने के बाद आपको अगर पता चलता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे पास एक ग्रामर दिया हुआ है और हमको जो होता है एक ग्रामर के माध्यम से हम लोग को ये जनरेट करना है। तो कैसे जनरेट करना, देखिए तो हमको एक ट्री बनाना है और ट्री को बनाते हुए आगे बढ़ना है और ये जो हमारे पास ये देखिए ये स्ट्रिंग को जनरेट करना है। तो स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल। एस इज द स्टार्ट सिंबल, ग्रामर में भी एस से शुरू है तो एस इज स्टार्ट सिंबल है। तो एस का जो डेरिवेशन है आप जब उसको एक्सपैंड करते हो तो ए बी और सी से एक्सपैंड हो जाता है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन होता है कि ए और जो सी है स्मॉल सी है वो तो टर्मिनल्स होता है, तो यानी वो आगे और एक्सपैंड नहीं होगा। सिर्फ एक्सपेंशन किसका होता है, नॉन टर्मिनल का एक्सपेंशन होता है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो बी बच गया है। अब बी को एक्सपेंड करना है तो बी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है बी सी और बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला जो ऑप्शन होता है ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, ये सेकेंड ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन को लेके हम चल रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन के बेस पर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए ये बी और सी आ रहा है। अब अगर हम पूरे के पूरे को एक साथ स्ट्रिंग जनरेट करते हैं तो फिर आपको पता चल रहा है पहले ए आया फिर बी सी सी, जबकि आपके पास ए बी सी है। तो इसका मतलब होता है कि जब आप बी को फर्स्ट ऑप्शन से एक्सपेंड करते हो तो आपके पास जो डेरिवेशन है वो फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वापस इस लेवल, आप जो इस लेवल पे बी और सी लेवल पे है वापस यहाँ पे बैक ट्रैक करते हो। बैक ट्रैक करने के बाद वापस कहाँ जाते हो, वापस बी पे आ जाते हो। बी पे आने के बाद आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो। जब आप सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हो तो आप यहाँ पे बी जनरेट करते हो। तो यू कैन सी दैट सेकंड ऑप्शन के थ्रू ये बी जनरेट हुआ है। अब इसको जब आप एक्सपेंशन को बनाना, जब आप इसको रीड करते हो तो आपको मिलता है ए बी सी, जो कि आप डेरिवेशन जिसको चाहते थे वो डेरिवेशन आपको मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किसी एक ऑप्शन को लेके आगे बढ़ते हैं, फिर अगर ऑप्शन फेल हो जाता है तो सेकेंड ऑप्शन के लिए बैक ट्रैक करते हुए सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। अगर सेकेंड ऑप्शन सक्सेस हो जाता है तो फिर हम ओके कर देते हैं, अदरवाइज अगर सेकेंड ऑप्शन में भी फेल हो जाता है तो थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं। बट हर एक ऑप्शन पे जाने के पहले हम बैक ट्रैक करते हुए एक प्रीवियस जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पर जाते हैं। जैसे यहाँ बैक ट्रैकिंग बी से स्टार्ट किए थे तो बी से ही, बी में ही बैक ट्रैक करते हैं। ऐसे ही अगर एस के दो ऑप्शन होते हैं तो हम
एस में बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच अप्लाई लगा के अप्रोच करके भी हम बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है रिकर्सिव डिस्टेंस पासिंग जो कि बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई करता है इस एग्जांपल में समझाया गया है। आप लोगों को समझ में आ गया? अब यस सर, यहाँ पे एल्गोरिथम दिया हुआ है नथिंग बट जो मैंने आपको समझाया है उसको टेक्निकली एक एल्गोरिथम फॉर्म में लिखा गया है कैसे होता है, ठीक है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट, जो रिकर्सिव डिस्टेंस मैंने आपको बताया था बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई होता है। अब नॉन रिकर्सिव जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर जिसको होता है नॉन रिकर्सिव यानी नॉन बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई होता है, यानी रिकर्सिव फॉर्म में आगे होता है रिकर्सिवली ये अप्लाई होता है बट बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टिव पार्सर के नाम से जानते हैं। तो रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर या प्रोसीजर फॉर ईच नॉन टर्मिनल जो हम लोग क्या करते हैं, देखिए नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर तो इसका मतलब है अगर रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर की जो फर्स्ट हम अप्रोच बात कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई होता है तो जिसमें हर एक नॉन टर्मिनल के लिए हम प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। अब आ जाता है कि नॉन रिकर्सिव जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है उसके लिए हम जो होता है रिकर्सिव फॉर्म में नहीं होता है बट प्रेडिक्शन के फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग LL1 पार्सर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं कि एक ग्रामर अगर हमारे पास दिया हुआ है यानी जो प्रेडिक्टिव ग्रामर है उसमें से सबसे पहला, देखिए प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दो चीज़ों को एक्सक्लूड करना यानी हटाना। सबसे पहला होता है लेफ्ट रिकर्शन को हटाना और दूसरा होता है लेफ्ट फैक्टरिंग को हटाना। तो यानी अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या कोई भी ग्रामर है वो तब तक प्रेडिक्टिव पार्सिंग नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए अप्लाई नहीं हो सकता जब तक उसमें लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होता है, यानी अगर होता है अगर नहीं करते हो तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एलिमिनेट यानी लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट करेंगे, फिर लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद जो आपके पास ग्रामर होगा दैट ग्रामर सुटेबल फॉर पासिंग ए LL1 ग्रामर यानी नो 100% यानी LL1 ग्रामर बट नो 100% गारंटी, यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि 100% गारंटी नहीं दे सकते लेकिन एक एक्सटेंड तक एक अप्रोच तक ये बोल सकते हो कि ये प्रेडिक्टिव पार्सर के तरह काम करेगा लेकिन 100% नहीं, क्योंकि जब आप फाइनली जब अप्लाई करते हो और जब आपके पास रिजल्ट आता है टेबल में आपके पास रिजल्ट आता है तो टेबल में एनालिसिस करके आपको कभी कभी वो सक्सेस भी मिलता है कभी कभी फेलियर भी मिलता है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट टूवर्ड्स द 100% आप जो होता है लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग हटा देते हो तो ग्रामर जो होता है LL1 पासिंग ग्रामर के नाम से जाना जाता है और हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए कौन कौन से दो फैक्टर या कौन कौन से दो ऐसे चीजें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पहला होता है लेफ्ट रिकर्शन दूसरा होता है लेफ्ट फैक्टरिंग। इज दैट क्लियर? यस। तो फिर अब जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि व्हेन रीराइटिंग ए नॉन टर्मिनल इन ए डेरिवेशन स्टेप ए प्रेडिक्टिव पार्सर कैन यूनिकली चूज ए प्रोडक्शन रूल बाय जस्ट लुकिंग द करंट सिंबल ऑफ द, तो इसका मतलब है इसमें बैक ट्रैकिंग अप्रोच तो होता नहीं है, तो बैक ट्रैकिंग अप्रोच नहीं होता है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के बाद तो पीछे होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम टेबल में से उस पर्टिकुलर जो फॉरवर्डिंग केस है यानी जब हम आगे बढ़ते हैं कौन से प्रोडक्शन रूल को चूज करना है कहाँ से जाएंगे तो ये जो होता है कि यूनिकली हमारे पास प्रोडक्शन रूल तो करंट जो टोकन होता है उसके बेस पर हम कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है उसको हम टेबल से पता करते हैं। तो अब आते हैं कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि ये टेबल में कैसे पता चलता है कि हम कौन से प्रोडक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है SCMTF वाइल बिगिन एंड स्टॉप, तो अगर हम ये पर्टिकुलर ग्रामर को देखते हैं तो ये ग्रामर को देखने के बाद हम चेक करते हैं कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट द नॉन टर्मिनल SCMT इफ द करंट टोकन इज इफ वी हैव टू चूज फर्स्ट प्रोडक्शन रूल, तो इसका मतलब है कि SCMT जो आपके पास नॉन टर्मिनल्स है इससे हम शुरू करते हैं तो हमारा जो प्रिडिक्शन यानी हमारा जो ट्री है SCMT से एक्सपैंड कैसे होगा। तो एक्सपैंड होने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा अगर करंट टोकन इफ है तो हम पहले वाले को चूज करते हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट द नॉन टर्मिनल SCMT वी कैन यूनिकली चूज द प्रोडक्शन रूल बाय जस्ट लुकिंग द करंट टोकन, तो इसका मतलब है अगर वाइल है तो इस एक्सपेंशन से इससे आगे बढ़ेंगे, बिगिन है तो इससे आगे बढ़ेंगे और फॉर है तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा
कि एक नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड करने के लिए हम करंट टोकन को देख करते हैं, देख के फिर आगे का जो उसका प्रोडक्शन रूल है उसका सिलेक्शन होता है। तो लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि वी एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्शन इन द ग्रामर एंड लेफ्ट फैक्टर इट एंड बट इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग। तो इसका मतलब ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बता दिया कि लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग हटाने के बाद आप ये कभी भी 100% नहीं बोल सकते हैं कि जो ग्रामर आपको मिला है दैट ग्रामर इज एन LL1 ग्रामर और नॉट, इसे एश्योर नहीं कर सकते। बट आप एक एक्सटेंड यानी एक परसेंटेज तक ये कंफर्म हो जाते हो कि आपका ग्रामर जो होता है मोस्ट ऑफ द जो प्रडिक्शन प्रडिक्टिव पासिंग जो या प्रडिक्टिव ग्रामर या LL1 ग्रामर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो रिकवर करके फॉलो करता है, यानी LL1 ग्रामर को 100% तो नहीं लेकिन आप ये बोल सकते हो कि एक एक्सटेंड तक वो आपके ग्रामर को टूवर्ड्स LL1 ग्रामर क्रिएट कर देता है। लेकिन फाइनली जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल के बेस पर आप डिफाइन कर पाते हो कि ये 100% LL1 ग्रामर है या नहीं है, तो ये चीज़ें होती है। तो रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पासिंग में कैसे होता है, जैसे कि ईच नॉन टर्मिनल करस्पॉन्डिंग टू ए प्रोसीजर, तो जितने भी नॉन टर्मिनल, जैसे कि एक सिंपल सा आपके पास प्रोडक्शन रूल्स यानी रूल दिया हुआ है, दिस प्रोडक्शन रूल्स यानी ए के लिए हम कैसे करेंगे, तो ए के लिए हम एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, यानी हर एक नॉन टर्मिनल के लिए प्रोसीजर डिफाइन होता है। अब वो प्रोसीजर कैसे डिफाइन होगा, राइट साइड में जो वैल्यू होता है, अब जैसे राइट साइड में वैल्यू होता है कि मैच द करंट टोकन विथ ए, यानी ए के लिए इस तरह से लिखा गया है। फिर उसके बाद बी, बी एक नॉन टर्मिनल तो है यानी अगेन एक प्रोसीजर को कॉल होता है, तो इसलिए कॉल बी करके हमने लिखा। फिर उसके बाद होता है मैच द करंट टोकन विथ बी, तो इस तरह से हम किसी भी प्रोसीजर यानी किसी भी लेफ्ट साइड में जो नॉन टर्मिनल्स है उसके लिए हम जो है सिंपल सा प्रोसीजर कॉल करते हैं, और प्रोसीजर के जो अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो 1, 2 and 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया गया है कि ये जो ए प्रोडक्शन है प्रोसीजर ए, ये दो अलग अलग जो होता है सब प्रोसीजर यानी इससे बना हुआ है। जैसे कि इसमें अब आ जाता है कि केस, केस को हम लोग बोल रहे हैं कि करंट टोकन ए है या करंट टोकन बी है। अगर करंट टोकन ए है तो फिर मैच द करंट टोकन कॉल बी एंड मैच द करंट टोकन बी। उस तरह से अगर करंट टोकन बी है तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे बी यानी मैच द करंट टोकन विद बी एंड उसके बाद कॉल ए यानी नॉन प्रोसीजर है और कॉल बी यानी नॉन प्रोसीजर सॉरी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल तो इसीलिए इसका हम प्रोसीजर के फॉर्म में इसको कॉल करते हैं। तो ये हो गया होगा रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक के नाम से। अब जैसे है रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग जो होता है कि व्हेन अप्लाई एप्सिलॉन, तो आगे कंटिन्यूशन से हम देखते हैं कि इफ ऑल अदर प्रोडक्शन फेल, अगर सारे प्रोडक्शन फेल हो जाता है तो वी शुड अप्लाई एन एप्सिलॉन प्रोडक्शन, हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को भी भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ द करंट टोकन इज नॉट ए एंड बी सो वी मे अप्लाई द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो बहुत सिंपली इसमें समझाया गया है कि हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को भी अप्लाई करके एक्सपेंशन कर सकते हैं, आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। मोस्ट करेक्ट चॉइस यानी हमेशा जो है वी शुड अप्लाई एन एप्सिलॉन प्रोडक्शन फॉर ए नॉन टर्मिनल, एप्सिलॉन प्रोडक्शन फॉर ए नॉन टर्मिनल। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर टर्मिनल नहीं मिलता है या फिर नॉन टर्मिनल नहीं मिलता है तो हम एप्सिलॉन केस पे भी आगे बढ़ सकते हैं। सो ए, सो व्हेन द करंट टोकन इज ऑन द फॉलोइंग सेट ऑफ ए, सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करने के लिए या तो टर्मिनल को चेक करते हैं या नॉन टर्मिनल चेक करते हैं, अगर दोनों ही फेल हो जाता है देन यू कैन गो फॉर एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऑल्सो। तो रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर जो मैंने आपको समझाया था उसको यहाँ एक और एग्जांपल से समझाया है, थोड़ा ब्रॉड सेंस में इस एग्जांपल को लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ए का प्रोसीजर यहाँ बनाया गया है, तो ए के प्रोसीजर में तीन ऑप्शन है ए सी और कैपिटल सी के लिए होता है। तो आप तीनों के लिए केस लगाए हैं, केस लगाने के बाद केस ए अगर सेटिस्फाई करता है, अगर सी टर्मिनल के बेस पर होता है और सपोज कर लो आपके पास फेल होता है, फेल मतलब है कि ये दोनों केस में अगर फॉल्स हो जाता है यानी दोनों केस ट्रू ना होकर फॉल्स होता है यानी तीसरा केस आता है, तो आप कॉल को करें तो फर्स्ट सेट ऑफ सी जो आप करते हैं, तो फर्स्ट सेट ऑफ सी क्या आता है एफ, इसलिए एफ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो कि सी को कॉल करने के लिए यूज होता है। और सपोज कर लो आपने करंट ए है, ए से आपको पता चल रहा है कि ए सी और नेक्स्ट वन दिया हुआ है टर्मिनल ए एफ दिया हुआ है, क्योंकि जनरली हमारे पास जो भी डेरिवेशन होता है वो टर्मिनल से बना होता है, टर्मिनल को जनरेट करना होता है, उसमें कहीं नॉन टर्मिनल नहीं होता है। तो टर्मिनल में सपोज कर लो ए है या सी है या एफ है, अगर एफ है
तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर में यहाँ F पे जाके वो C को कॉल करेगा, फिर C को जब कॉल करेगा तो उसका जो मैचिंग है वो इस तरह से होता है। उसी तरह से प्रोसेस B जो होता है उसको इस तरह से हमने लिखा है। तो एक सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन लिखा गया है उसको हम एक प्रोसीजर के फॉर्म में, फंक्शन जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो उस फॉर्म में कैसे लिखना है वो यहाँ पे आपको समझाया गया। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सन को समझाने के लिए। तो क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं इसको? आप लोगों को समझ में आ गया? ओके फाइन। अब आ जाते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। और एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है, जैसे ऊपर प्रोडक्शन दिया हुआ है, अब हम फटाफट देख सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोडक्शन एस से शुरू हो रहा है, तो देखिए एस को हमने एक्सपेंड किया। अब ये जो होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एरो डबल लाइन के साथ जो एरो बना हुआ है दिस इज नोन एज अ डेरिवेशन। हम यहाँ डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो याद रखना है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट सबसे पहले कन्वर्ट होते हुए आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले एफ को हमने इस तरह से लिखा है, ए कैपिटल बी स्मॉल ए, ये लिखा है। अब इसमें से जो हमको क्रिएट करना है वो हमारा जो जो भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, सपोज कर लो हमारे पास जो फाइनल है वो ए बी बी ए आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो बी है बी को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बी को जो एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम ये बी बी से बी को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए बी बी यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब है बी को हम हैंडल मान के मान चल रहे हैं और इस बी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं ऊपर वाले जो डेरिवेशन है यानी जो प्रोडक्शन है उससे कर रहे हैं। अब ये जो बी है यानी ये जो आपके पास बी दिख रहा है यानी ये हमारे लिए अब हैंडल का काम करेगा, इसको कन्वर्ट करना है टर्मिनल्स में। तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास जो होता है अगेन एक बी बी आपके पास जो होता है ये बी प्रोडक्शन बी बी का होता है। तो ये बी प्रोडक्शन यानी यहाँ पे एक ये रिपीट हो गया, ये देखिए ये रिपीट हो गया, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये सेम प्रोडक्शन दो बार रिपीट हो गया, इसको हटा दीजिए। अगेन हम जो यूज़ करेंगे इस बी को एक्सपैंड करेंगे, तो इस बी से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बी से एक्सपैंड करने के बाद देखिए ये बी और डी जनरेट हो गया। अब आपके पास जो लगभग डेरिवेशन मिल गया है तो इस बी को हमको ऑब्सोल्यूट करना है यानी हटा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी प्रोडक्शन एप्सिलॉन यूज़ करेंगे जिससे कि ए बी बी ए क्रिएट हो गया। अब देखिए ये जो डेरिवेशन है हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनरेशन है वो कैसे हुआ है। तो जनरेशन कैसे हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ एस से एक्सपेंड किया हूँ, ए बी बी से किया हूँ, फिर बी को बी बी से किया है, बी को फिर बी बी से किया, बी को एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब है कि अगर हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पहले ए मिला, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बी मिला, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन आपको बी मिला, फिर यहाँ एप्सिलॉन मिला जिसको लिखना नहीं है, और इस तरह से होते हुए हम जो होता है जब आगे अगेन आगे बढ़ते हैं तो आपको ए मिला, ए मिलने के बाद आप इस तरह से आगे पहुँच गए। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जब इसमें ट्रैवर्सिंग करते हो तो ट्रैवर्सिंग करने से आपको सारा का सारा स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम, आप जैसे ब्रेकफास्ट सर्च बोलते हैं हम लोग, होता है पहले नीचे जाते हैं यानी ऊपर से होते हुए नीचे जाते हैं, फिर पूरा ट्रैक करते हुए आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपको पास थ्रू, तो ये डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हम एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग है कैसे जनरेट करते हैं। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट कि रिकर्सिव डिसेंट क्या होता है और प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक्स क्या होता है, जिसमें से हमने रिकर्सिव डिसेंट का एग्जाम्पल अच्छे से समझा है और एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको एक डेरिवेशन जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है थोड़ा सा रिकॉल करके आपको बताया कैसे करके काम करता है। और ये जो होता है आगे बढ़ने का काम है, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल वन है इसमें कोई बैक ट्रैकिंग अप्रोच आपको नहीं दिख रहा है। एक तरीके से हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग का एग्जाम्पल भी देखा है और रिकर्सिव डिसेंट का भी एग्जाम्पल देखा है, जिसमें हम हर एक नॉन टर्मिनल के लिए प्रोसीजर को डिफाइन